हाय गैस, वेलकम टू माय चैनल। सो दोस्तों, अभी आप लोग देख सकते हैं गैस, यहाँ पे एक बजाज का इंडक्शन रखा हुआ है गैस, और इसमें जो प्रॉब्लम है मैं आप लोग को दिखाता हूँ गैस। इसको मेन बोर्ड में अपना लगा के गैस, जो कि प्रॉब्लम है, इसमें पावर नहीं आ रहा है गैस। कस्टमर का यही कहना है कि इसमें जब बिजली का यानी कि गैस इलेक्ट्रिसिटी का 220 वोल्ट जब देते हैं तो इसमें पावर नहीं आता। तो यहाँ पर मैंने सीरीज में कनेक्ट कर दिया बोर्ड गैस, और यहाँ पर मैं लगा दिया हूँ। और अभी देखिए गैस, यहाँ पर कोई पावर वगैरह नहीं आया। पावर बटन भी प्रेस कर रहा हूँ फिर भी पावर नहीं आ रहा है। तो चलिए गैस, इसे पहले प्लग को निकाल लेते हैं बाहर, उसके बाद देखते हैं गैस इसमें क्या प्रॉब्लम है गैस और कहाँ से प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले गैस इसका स्क्रू ओपन करना होगा गैस। तो स्क्रू जो है गैस मैंने पहले से ही ओपन कर लिया है, मैं आप लोग को दिखाता हूँ गैस। यहाँ पे देखिए, स्क्रू जो है इसका पहले से ही ओपन कर लिया। 4 स्क्रू रहता है गैस बैक साइड में। तो अभी देख लीजिए गैस, यहाँ पे बैक साइड 4 स्क्रू मैंने ओपन कर लिया। और इसका मॉडल नंबर जो है गैस यहाँ पे देख सकते हैं गैस अभी आप लोग, एक ICX है गैस जो कि लिखा हुआ है। और यहाँ पे मैं इसका डिस्प्ले जो होता है गैस, डिस्प्ले का पैनल वो मैं बाहर निकालूंगा गैस सबसे पहले, उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाता हूँ गैस इसके अंदर क्या क्या सिस्टम है, मतलब कि क्या चीज़ प्रॉब्लम है गैस। सॉरी, तो एक मिनट गैस, मैं ये डिस्प्ले पहले बाहर निकालता हूँ। तो यहाँ पे गैस मैंने डिस्प्ले को बाहर निकाल ले रहा हूँ गैस। यहाँ पर देख सकते हैं अभी आप लोग, यहाँ पर एक कनेक्टर है गैस, ये वाला कनेक्टर गैस। तो मैं इसे यहाँ से हटा लूँगा गैस, ये कनेक्टर हट चुका है। तो अभी गैस हमारा डिस्प्ले पूरा ओपन हो चुका है गैस, और ये डिस्प्ले का पैनल साइड में रख देते हैं गैस। और यहाँ पे देखते हैं मदरबोर्ड में, तो यहाँ का जो स्क्रू है गैस वो ओपन नहीं किया हुआ है। तो सबसे पहले इसका स्क्रू जो है गैस वो ओपन कर लेते हैं हम लोग फटाफट से। तो यहाँ पे गैस स्क्रू मैंने सारा ओपन कर लिया गैस। अभी आप लोग देख सकते हैं गैस, ये है गैस हमारा कॉयल, और ये जो लगा हुआ है गैस हमारा सेंसर। तो सेंसर का वायर जो है गैस सबसे पहले हटा देते हैं यहाँ से। तो ये सेंसर का वायर निकल चुका है गैस। और अभी आप लोग देखिए गैस, मदरबोर्ड में जो प्रॉब्लम है, यहाँ पे गैस कुछ डायोड वगैरह जल चुका है गैस। तो सबसे पहले मदरबोर्ड को बाहर निकालते हैं गैस, उसके बाद देखते हैं क्या प्रॉब्लम है एग्जैक्टली। क्या यही जो डायोड, जो 2 डायोड है गैस, यही जो जला हुआ है या और कुछ प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले गैस हमें मदरबोर्ड को बाहर निकालना होगा गैस। तो मदरबोर्ड को बाहर निकालने के लिए यहाँ वाला स्क्रू जो गैस इसे खोलना पड़ेगा। तो खोलने के लिए हमारे पास टूल्स है गैस, यहाँ पर देख सकते हैं अभी आप लोग। तो अभी गैस यहाँ वाला स्क्रू जो है गैस मैंने बाहर निकाल दिया। अभी आप लोग देख सकते हैं गैस, ये है फैन का कनेक्टर गैस। तो हम फैन का भी जो कनेक्टर है गैस उसे बाहर निकाल देंगे, यानी कि रिमूव कर लेंगे गैस। तो यहाँ पे देख लीजिए गैस, ये फैन का कनेक्टर है, तो इसे रिमूव कर लेते हैं गैस अच्छे तरीके से। तो यहाँ पे देख लीजिए गैस, ये कनेक्टर निकल चुका है। अब जो है इसका मदरबोर्ड बाहर निकालना पड़ेगा। तो ये हमारा मदरबोर्ड जो है गैस बाहर आ चुका है। अभी आप लोग देखिए, इसका बैक साइड में आप लोग को दिखाता हूँ गैस। देखिए यहाँ पे गैस, इसका जो मदरबोर्ड है गैस पूरी तरीके से फिनिशिंग गैस, कहीं भी कोई भी बंदा इसमें कोई भी बोर्ड को छेड़ा नहीं है गैस। तो यहाँ पे देख सकते हैं सब चीज़ लग रहा है ओके। तो सबसे पहले गैस हम क्या करेंगे, ये जो 2 डायोड जला हुआ है गैस उसे चेंज करके देखते हैं गैस, ये अगर रिपेयर हो जाए तो। बाद में अगर कुछ ये रिपेयर नहीं हुआ गैस, तो इसका जो गैस ये सारा लगा हुआ है कैपेसिटर वगैरह, तो ये सब चेंज करके देखेंगे गैस। तो सबसे पहले ये डायोड चेंज करते हैं गैस। तो यहाँ पे गैस मैंने मदरबोर्ड को उल्टा करके रख दिया गैस, और अभी जो इसका IGBT गैस वो मैं आप लोग को चेक करके दिखा दूंगा गैस। यानी कि ये जो IGBT गैस यहाँ पे लगा हुआ गैस, अभी आप लोग देखिए यहाँ पे जो IGBT लगा हुआ है उसे मैं चेक करके आप लोग को दिखा देता हूँ गैस, ये शॉर्ट है या अच्छा है गैस IGBT। तो अभी आप लोग देखिए गैस, इसे बजर मोड में सेट कर लेते हैं पहले, उसके बाद ये IGBT गैस चेक कर लेते हैं। तो अभी देख लीजिए गैस, हमारा IGBT जो है गैस ओके है गैस, सही है। तो यहाँ पे गैस मल्टीमीटर को, यानी कि हमारा फ्यूज जो है गैस यहाँ पे देख सकते हैं अभी आप लोग, यहाँ पे फ्यूज जो हमारा गैस पूरी तरीके से ओपन है। ये वाला रेजिस्टेंस चेक है गैस गैस, और ये सारा डायोड वगैरह जो मैं चेक कर रहा हूँ गैस, यहाँ पे देख सकते हैं ये जो डायवर्ट है गैस, ये वाला ठीक है गैस, और यहाँ पे भी ये डायवर्ट ठीक है गैस, ये वाला भी डायवर्ट ठीक है, और इधर का भी जो डायवर्ट है गैस ये भी ठीक है, ये जीना डायवर्ट ये भी ठीक है गैस। तो भी गैस इसमें मदरबोर्ड में सारा चीज़ चेक कर लेते हैं गैस। ये वाला जो ट्रांजिस्टर है गैस, यानी कि ये सब चेक कर लेते हैं गैस। ये सारा MOSFET है गैस, जिसे ट्रांजिस्टर भी बोला जाता है गैस, ये भी चेक कर लेते हैं गैस। तो ये सब ठीक है गैस, सभी सारा चीज़ चेक हो चुका है। तो हम गैस सबसे पहले फ्यूज बांधते हैं गैस, उसके बाद जो है सो गैस ये वाला जो टावर है गैस दोनों चेंज करके देखेंगे गैस। तो सबसे पहले मैं फ्यूज को बांध देता हूँ गैस यहाँ पे। गैस मैंने दोनों टावर लगा दिया गैस,
और अभी जो है गैस इसमें पावर दे के देखते हैं गैस क्या इसका जो प्रॉब्लम है गैस वो कुछ हद तक सॉल्व हुआ या नहीं। तो सबसे पहले गैस हम इसमें पावर देंगे गैस, यानी कि जो भी पावर देंगे गैस उस सीरीज में देंगे गैस। तो यहाँ पे देखते हैं गैस सीरीज में पावर मैं दे रहा हूँ गैस इसे। तो अभी गैस आप लोग ने आवाज़ सुना गैस, इसके अंदर जो था गैस हमारा इंडक्शन यानी कि चालू हो चुका है गैस। अभी आप लोग को मैं मदरबोर्ड जो होता है इसका गैस, अभी गैस इंडक्शन जो है गैस हमारा चालू हो चुका है गैस। यहाँ पे दो डायवर्ट लगाने के बाद गैस यहाँ पे देख लीजिए गैस, जो डायवर्ट जला हुआ था गैस उसे मैंने हटा के यहाँ पे नीचे से दो डायवर्ट लगा दिया गैस यहाँ पे जो प्रॉब्लम था गैस। और यहाँ पे जो जम्फर टूटा हुआ था गैस यहाँ पे मैंने जम्फर को मार दिया गैस, अभी आप लोग देख सकते हैं। तो एक बार मैं इसका जो गैस बोर्ड वगैरह लगा के चेक कराता हूँ आप लोग को गैस। तो अभी आप लोग को मैं बोर्ड लगा देता हूँ गैस, यहाँ पे आप लोग देखिएगा इस वीडियो में बने रहिए। तो अब गैस मैंने बोर्ड को लगा दिया, अभी मैं पावर दे रहा हूँ यहाँ पे सीरीज में गैस। अभी आप लोग बोर्ड की तरफ नज़र कीजिए गैस। तो यहाँ पे देखिए गैस हमारा जो इंडक्शन में पावर जो था गैस, तो यहाँ पे पावर हमारा आ चुका है गैस इंडक्शन में, अभी आप लोग देख सकते हैं गैस यहाँ पे, और इंडक्शन हमारा ऑन हो चुका है गैस। तो अभी एक बार गैस इसे फिट करके चेक करते हैं गैस ये प्रॉपरली जो जिस तरह था गैस उस तरह वर्क कर रहा है या नहीं। तो सबसे पहले गैस मैं इसे फिट कर लेता हूँ गैस यहाँ पे पावर कट करके, उसके बाद मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ गैस। तो इसे फिट करने के लिए गैस इसके टूल्स जो है गैस यहाँ पे है सारा सिस्टम, यहाँ पे लाके अभी आप लोग देखिए गैस ये फिट हो चुका है अच्छे तरीके से। अभी मैं इसमें गैस बर्तन रख दूंगा ये वाला गैस, जो कि बर्तन हमारा सेंस करेगा। तो उसके बाद मैं पावर दूंगा गैस यहाँ पे। तो यहाँ पे देख लीजिए गैस पावर हमारा आ चुका है और इसे ऑन कर दिया गैस, और ये बर्तन सेंस करने की कोशिश कर रहा है गैस। और अभी आप लोग देखिए गैस स्विच लाइट ब्लिंक कर रहा है गैस, यानी कि बर्तन सेंस करने की कोशिश कर रहा है। तो अभी मैं डायरेक्ट जब करूँगा गैस, तो अभी मैंने डायरेक्ट किया गैस, और अभी इसका देखिए गैस ये जो बर्तन है इसमें किस तरीके से बबल निकलेगा गैस, यानी कि बर्तन जो हमारा सेंस कर लिया गैस। और यहाँ पे देखिए गैस किस तरीके से खिचड़ी पक चुका है गैस यहाँ पे। तो ये इंडक्शन गैस इस तरीके से ओके हो चुका है गैस। तो हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में गैस किसी नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए वीडियो को नए हैं तो लाइक कर दीजिएगा गैस, और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा गैस। तो